21 अगस्त यानी भारत बंद। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण को लेकर एक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यों को SC और ST के अंदर उपश्रेणियां बनाने की अनुमति दी जाए, जिसमें कहा गया कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस निर्णय के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और अलग अलग राज्यों से लेकर इस फैसले का विरोध करने लगे। चलिए जानते हैं कि भारत बंद का उद्देश्य क्या है और क्या बंद रहेगा क्या खुला रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि भारत बंद का उद्देश्य क्या है। आरक्षण बचाव संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत बंद का आदेश दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि 21 अगस्त को एक बड़ा हंगामा हो सकता है, जिसमें कि कई लोग इस हंगामे को लेकर सतर्क हैं। कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद जो आरक्षण को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वह अधिक हो सकता है और बढ़ सकता है प्रदर्शन। इस हिसाब से 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया। इसमें BSP ने इस फैसले का समर्थन किया और BSP 35 साल बाद इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी। वहीं जानते हैं कि भारत में क्या खुला रहेगा। तो इमरजेंसी की सारी वस्तुएं जो खुली रहेंगी, जैसे एम्बुलेंस है, अस्पताल है, ये इमरजेंसी की सारी व्यवस्थाएं खुली रहेंगी। भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है आरक्षण को लेकर।